वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स. तो आज हम करेंगे दैट इज़ द टॉपिक वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है वो क्या वर्क करती हैं. पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि MLA कैसे बनते हैं, ठीक है, और जो चीफ मिनिस्टर हैं, अदर मिनिस्टर्स हैं, वो कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे इलेक्ट किए जाते हैं बाई द पीपल, ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे कि वो एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, ठीक है. तो हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक पटलपुरम हेडक्वार्टर है जहाँ पे मोस्टली ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आ रही थी, कि अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से लॉट ऑफ जो लोग हैं वो डायरिया सफ़र हो रहे हैं और लॉट ऑफ लोगों की जो है वो डेथ हो रही है इस रीज़न की वजह से. तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या कदम उठाया है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, और जो और अदर मिनिस्टर थे, उन्होंने एक्चुअल में खुद विज़िट किया पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट में जाके. उन्होंने वहाँ की कंडीशंस देखी कि लोगों को क्या एक्चुअल में सफ़र हो रहा है. जिन लोगों की इस चीज़ की वजह से मौत हुई थी, उन लोगों के घरों में जाके उन्होंने उनके रिश्तेदारों से, उनकी फैमिली वालों से बातचीत की और उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के उन्होंने डिफरेंट कंपनसेशन पैकेजेस निकाले, ठीक है, कि ताकि उनको थोड़ी आर्थिक मदद मिल सके, ठीक है. तो ये सारा कुछ करने के लिए, ये सारा कुछ करने के बाद उन्होंने ये चूज़ किया कि एक हायर अथॉरिटी, एक हायर इंक्वायरी की कमेटी, जो इंक्वायरी कमेटी है उसको सेटअप किया जाए, जो कि इन नीड्स को एक्चुअल में देखें, वहाँ पे जाके खुद उसका मतलब देखें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ क्या रही है. मोस्टली सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ जो हैं उसको इम्प्रूव करें, जहाँ पे वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है उनको देखें, ठीक है. तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी बनाई, जो कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल थी पटलपुरम स्ट्रीट जो डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पर, ठीक है. यहाँ पे जो पीपल थे, कि एज यू सो अबव द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स हैव टू टेक एक्शंस. अब यहाँ पे हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के पास लॉट ऑफ पावर होती है कि वो डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है, दे डू सो थ्रू, लेकिन वो वेरियस डिपार्टमेंट्स की हेल्प से डिसीजन लेते हैं, लाइक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की हेल्प करती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चंस दैट प्रॉपर स्टेप्स हैव बीन टेकन. अब जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, अब उनमें भी ये आंसरेबल होते हैं. जब विधानसभा में ये क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि यहाँ पे आपके इलाके में इतने लोग डायरिया से मर रहे हैं, तो उनका आंसर भी चीफ मिनिस्टर को ही देना पड़ेगा, ठीक है. उनको बताना पड़ेगा कि हम इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स उठा रहे हैं और ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है. एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पोंड. मतलब लाइक अगर एग्जाम्पल हम लें कि जो भी डायरिया प्रॉब्लम्स है, आपको भी पता है कि न्यूज़पेपर वाले तो बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज़ छापते हैं कि इन जो इलाकों में गवर्नमेंट देख नहीं रही है, इस कारण जो है गंदा पानी आ रहा है या फिर लोग मरी जा रहे हैं, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है. तो ये गवर्नमेंट जो मीडिया है यही गवर्नमेंट को जगाता है, मोस्टली यही उनको उनसे क्वेश्चनिंग करता है कि बताओ आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो. तो ये जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर है उनको आंसर करना पड़ता है इन मीडियाज़ को, ठीक है, इन मीडिया वालों को आंसर करना पड़ता है कि आप लोग क्या स्टेप ले रहे हो, ठीक है. तो ये सारे काम जो हैं वो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं, उनको आंसर भी करना पड़ता है पब्लिक को, पब्लिक के बारे में सोचना भी पड़ता है ताकि उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना फेस हो. बिकॉज जो ये गवर्नमेंट के बंदे हैं वो किसने डिसाइड किए हैं, पीपल ने डिसाइड किए हैं, तो उनका भी फ़र्ज बनता है कि जो पीपल है उनकी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करें, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटाइजेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़. फॉर एग्जाम्पल, इट मे टेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस टू इंश्योर दैट देर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया. इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज. दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टन इशूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट. द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दैन इम्प्लीमेंट दिस लॉज. Laws for the entire country made in the parliament. You will read more about the parliament next year. अब यहाँ पर उन्होंने जस्ट यही बोला हुआ है कि हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पीपल जो हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं, रूलिंग पार्टी बनाते हैं, मिनिस्टर्स बनाते हैं. अब इनकी ड्यूटी है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करें वो, ठीक है. अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेती है, डिफरेंट लॉज बनाती है, सैनिटाइजेशन और
फॉर सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में बता, हमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में सफाई कर्मचारी है जो, ठीक है, वो भी वही पॉइंट करती हैं कि हर एरिया के वाइज हमने एक सफाई कर्मचारी रखना है, ठीक है, जो डेली सफाई का ध्यान रखे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो लॉज हैं, ये पहले तो ये बनते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो MLAs हैं, देन इनकी जो फर्दर डिस्कशन है वो स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर के साथ होती है, तब ये जाके पास होते हैं। तब ये जब ये सारे रूल्स बन जाते हैं, देन इनका जो सबमिशन है वो फिर हायर लेवल के ऊपर छोड़ा जाता है। फिर हायर लेवल की तरफ से जो पॉलिसीज अलॉट होती हैं और लॉज बनते हैं वो फुल स्टेट में अप्लाई होते हैं और फुल नेशन में अप्लाई होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ चुका होगा अब कि एक्चुअल में गवर्नमेंट का वर्क क्या है और ये गवर्नमेंट के जो बंदे हैं वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल। क्लियर? थैंक यू सो मच।